Some miscellaneous mistakes on verb, and I thought it of great importance considering your exams because they are the mistakes. Which are put in different exams. That's why I think it's very important to note because in this lecture. द सर्टन मिस्टेक्स विल बी कुरेक्टेड्स एंड रेक्टिफाइड्स तो बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स के आप इन मिस्टेक्स को अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि ये वो मिस्टेक्स हैं जो मुख्तलफ़ इम्तहान में इन कुरेक्ट सेंटेंसेज़ में पूछी गई हैं और What sort of exams you are going to sit in? They are very important to be corrected and noted as well. So, let's go to the board for this purpose. Dear students, use gerund or verbal noun instead of infinitive with the following use gerund first form plus ing. विद और वर्बल नाउन वर्ब से और वर्बल नाउन इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी विद द फॉलोइंग यानी दर्ज ज़ैल जो अब आपको मैं वर्ड्स बताऊँगा इनके साथ इन्फिटिव की बजाय हम जैरेंड इस्तेमाल करेंगे आई एन जी फार्म लगाएंगे अब वो कौन कौन से हैं लेसी और ये जैसे मैंने बताया कि ये वो हैं जो मुख्तलफ़ एग्ज़ाम से मैंने ली हैं और बारहा पूछी जाती हैं और रिपीटडली यानी पूछी जाती हैं आपसे भी पूछी जा सकती हैं तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप इनको अच्छी तरह से समझ लें और नोट कर लें देखें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दे आर इंटरकनेक्टेड ये आपस में जुड़े हुए हैं हर हिस्से को ग़ौर से सुने एंड दिस वे यू आर गोइंग टू गेट योर ग्रिप ऑन ग्रामर रूल्स समेंट्स एंड स्ट्रेंथन इनशा जी जैरन नहीं सॉरी इन्फिनिटिव नहीं जैरन इस्तेमाल होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फर्स्ट है जैसे एम एट एम एट मैं कहूँ नॉलेज एम्स at एम्स एट improving मैनरिज्म नॉलेज एम्स एट improving मैनरिज्म एम at improving मैंने कहा एम at टू improve नहीं कहेंगे यानी जैरंड इस्तेमाल करेंगे बता रहा हूँ फिर gerund इस्तेमाल करेंगे infinitive नहीं करेंगे सो एम एट के बाद है अवर्स टू एम एट मकसद होना एवर्स टू के मुखालफ होना मसलन हिज़ फादर इज अवर्स टू अवर्स टू सेंडिंग हिज सन टू एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज ज फादर इज अवर्स टू सेंडिंग हिज सन फॉर हायर स्टडीज तो देखें एवर्स टू सेंडिंग मैंने एवर्स टू सेंड नहीं कहा द फादर इज एवर्स टू सेंडिंग हिज सन एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज हार्डली एनी चांस ऑफ हार्डली एनी चांस ऑफ कि बमश्क ही किसी चीज़ का मौका मुयसर होना ही हैज़ हार्डली एनी चांस ऑफ विनिंग द फस्ट प्राइज ही हैज़ हार्डली एनी चांस टू विन नहीं होगा ही हैड ही हैज हार्डली एनी चांस ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज इसके बाद ये स्टूडेंट कॉन्फिडेंट ऑफ पूरा पुरमाद होना शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ सिक्योरिंग हर टारगेट इन द एग्जाम्स शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ सिक्योरिंग सिक्योरिंग हर टारगेट्स इन द एग्जाम्स इस्टूडेंट्स डिज़ायरस ऑफ ख्वाहिशमंद होना ही इज डिज़ायरस ऑफ गोइंग एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज ही इज डिज़ायरस ऑफ ही इज डिज़ाइर्स ऑफ गोइंग एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज यानी मुतमनी होना मुश्ताक होना ख्वाहिश रखना डिज़ायरस ऑफ तो आप नोट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि मैं इन्फिनिटी की इन्फिनिटिव की बजाय जैरेंड इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है डेस्पेयर्ड ऑफ मायूस हो जाना मायूस हो जाना शी इज डेस्पेयर्ड ऑफ शी इज डैस्पेयर्ड ऑफ विनिंग हर टार्गट शी इज डैस्पेयर्ड ऑफ विनिंग हर टारगेट टू विन नहीं होगा जैरंड आ गया और जैसे मैंने बताया कि ये इम्तहान में आए हुए सेंटेंसेज हैं और मैं वही एग्जैम्पल्स दे रहा हूं कि जो आ चुकी हुई हैं इनके साथ जी डेस्पेयर्ड ऑफ के बाद है हैव सम डिफिकल्टी इन समथिंग किसी चीज में मुश्किल का सामना होना ही इज हैविंग अ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स फार्मूलाज He has some difficulty in understanding mathematics formulas. Je, disqualified. Na ahal pana. Disqualified. He has been disqualified for applying this job. He has been disqualified for. अप्लाइंग दिस जॉब बल्कि फॉर अप्लाइंग टू दिस जॉब टू प्री पोजिशन अप्लाई के लिए आनी चाहिए ही हैज़ बिन डिसक्वालीफाइड फॉर अप्लाइंग टू दिस जॉब ना अहल करार पाना जी डियर स्टूडेंट्स टू हैव नो एक्सक्यूज फॉर कोई मुआफ़ी ना होना किसी काम के लिए कोई मुआफ़ी ना होना टू हैव नो एक्सक्यूज फार ही हैज़ नो एक्सक्यूज़ for इग्नोरिंग <coughs> no his ड्यूटी इंटेंशनली ही हैज़ नो एक्सक्यूज़ for इग्नोरिंग his ड्यूटी honest इग्नोरिंग his ड्यूटी इंटेंशनली इंटेंशनली ही हैज़ नो एक्सक्यूज फॉर इग्नोरिंग हीज ड्यूटी इंटेंशनली नोइंगली जान बूझते हुए जी ड्यूटी ऑफ किसी चीज़ का अपने ऊपर फर्ज रखना फ़र्ज़ आयद होना शी हैज अ ड्यूटी ऑफ कुकिंग फूड एट होम शी हैज अ ड्यूटी ऑफ कुकिंग टू कुकनी ऑफ कुकिंग फूड एट होम यस मैन मेक्स अ हाउस वेमेन मेक्स अ होम मैन मेक्स अ हाउस अ वेमेन मेक्स अ होम मर्द मकान बनाता है औरत घर बनाती है जी एन एक्सपर्ट इन किसी चीज में माहिर होना एन टू बी एन एक्सपर्ट इन टू बी एन एक्सपर्ट इन ही इज़ एक्सपर्ट इन इन्वेंटिंग एक्सक्यूज ही इज एक्सपर्ट इन इन्वेंटिंग एक्सक्यूज वो बहाने तराशने में माहिर है सो so, जैरंड देखें आप नोट कर रहे हैं कि जैरंड आ रही है इन्फिनेटिव की बजाय जैरंड आ रही है बी फार्चुनेट फार खुशकिस्मत हो ना बी फॉर्चुनेट फार ही इज फार्चुनेट फॉर हैविंग सच अ फेथफुल वाइफ ही इज़ फॉर्चुनेट फॉर हैविंग सच अ फेथफुल वाइफ देंग ऑफ प्रॉफ्ट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम दिस अर्थ बिकम्स अवन फॉर द मैन हु गेट्स अ फेथफुल वाइफ ऑन इट फरमान नबी है, उस शख्स की दुनिया जन्नत है जिसकी बीवी वफादार है सुबह अल्लाह सुबहान He is fortunate for having such a faithful wife. जी hinder somebody from something, hinder रोकना किसी को किसी काम से रोकना हायल होना रुकावट होना उस काम में His father hinders him. His father hinders him. फ्राम ज्वाइनिंग द बैड कंपनी हिज़ फादर हिंडर्ज़ हिम फ्राम ज्वाइनिंग द बैड कॉम्पनी उसके वालद ने उसे ग़लत सहबत में जाने से रोका मना किया हिज़ फादर हिंडर्स हिम फ्राम ज्वाइनिंग द बैड कॉम्पनी तो उसे वो मना करते हैं कि ऐसी सहबत में ऑफ कोर्स सोसाइटी मोल्ड अ मैन सोसाइटी मोल्ड अ मैन अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स अ फ्रूट इज नोन बाय इट्स अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है बड़ी खूबसूरत पवर्ब्स हैं ये बेशक ये सदाकत और सच्चाई की बातें ला रही बात टू बी इन डी फटीगेबल इन यानी किसी काम के लिए सस्टेंड एफर्ट करना अनटायरिंगली मुसलसल अन थके हुए के काम करते हुए आप ना थकें हम कहेंगे टू बी इन डी फटीग फटीग आप देखें एजिकटिव हो गया नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया इन डिफी डी फटीग एबल यानि मुसलसल कोई काम करना थके बगैर मैं कहूँ अब्दुलतार ईदी वॉज इन डी फटीग एबल इन सर्विंग द सफरिंग ह्यूमनिटी अब्दुलस्तार ईदी वोज इन दटीग एबल इन सर्विंग द सफरिंग ह्यूमैनिटी जी इंसिस्ट ऑन इसरार करना ही इंसिसट ऑन ज्वाइनिंग द कंपनी ऑफिस फ्रेंड्स टुमरी he insisted on joining the company of his friends to marry persist in israr karna zid karna she persisted in joining the Rasme hina of her friend she persisted in joining the rasme hina of her friends succeed in he succeeded in winning his target he succeeded in winning his target he succeeded in winning his target to be justified in haqba janab hona hona he is justified in कंडेमिंग हीज मिसकंडक्ट्स ही इज जस्टिफाइड इन कंडेमिंग हीज मिसकंडक्ट्स वो उसका बैड बिहेवियर इल मैनर्ड बिहेवियर कंडेम करने में हक ब जानब है टू हैव अक ऑफ टू हैव अक ऑफ नैक नैक डियर स्टूडेंट्स कहते हैं एक्सपर्टीज यानि महारत किसी काम में महारत रखना टू हैव अक ऑफ टू हैव अक ऑफ समथिंग फॉर एग्जाम्पल वही मिसाल ही हैज़ अनेक ऑफ इन्वेंटिंग एक्सक्यूज़ ही हैज़ अनेैक ऑफ इन्वेंटिंग एक्सक्यूज़ वो बहाने तराशने में महारत रखता है मिलते जुलते सेंटेंस आप देखें कि ये वो एग्ज़ैम्पल्स हैं जो मोस्टली वो प्रीवियस पेपर्स में मुख्तल पेपर्स में वो आ चुकी हुई हैं जो भी आप ग्रामर का पेपर डील करते हैं उनमें अक्सर मैंने देखी ये आ चुकी हुई हैं वो लिहाजा You need to imbibe them. That's nice. Appreciate. Appreciate. I appreciate your helping your friend in need. I appreciate your helping your friend in need. दोस्त की ज़रूरत में मदद करने के इस अमल इस तुम्हारे अमल को मैं सराहता हूँ सराहता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स यस ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीट्स दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए ज़रूरत के वक्त काम आए ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन यस ए ए रियल ए ए फेथफुल एंड ट्रू फ्रेंड नेवर डिज़र्ट्स यू इन द डेजर्ट वो दोस्त ही नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ जाता है सो ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड आई अप्रीशिएट योर हेल्पिंग योर फ्रेंड इन नीड्स उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपने इन सारी बातों को मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है इनशाला इन कबूल कर लें आपको समझ आ गई होगी और इनके साथ साथ आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि प्री पोजिशन कौन सी आई है प्री पोजिशन कौन सी आई है ये भी आपने ज़रूर नोट करना है क्योंकि पेपर वाला जो है ना वे मुख्तलफ एंगल से एक चीज़ को पूछ सकता होता है क्योंकि स्टूडेंट एक चीज़ पे तोजो देता है कि यार इसके साथ ये गलती मैंने चले इस गलती को मैंने जो है वो डिटेक्ट कर लिया है कि इसके साथ ये गलती है लेकिन होता ये है कि वो वो ग़लती की बजाय कोई और दे जाएगा लेकिन वो जे जा, यहाँ जैरन लगा जाएगा तो क्या करेगा वो जो प्री पोज़िशन है उसके साथ वो सर्टन वर्ड के साथ जो मैंने अभी आपको करवाई तो वो प्री पोजीशन की गलती दे जाएगा और स्टूडेंट उसी बात पे फोकस करता हुआ गलती करने का <coughs> और एहतमाल हो सकता है यहाँ तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप साथ साथ जो इनके मैंने आपको प्री पोजिशन्स बताई हैं वो भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें जी डियर स्टूडेंट्स नेक तमन्नाएँ नेक ख्वाहिहिशा हमेशा आपके लिए माय प्रेयर्स विल ऑलवेज़ बी वेटिंग अपॉन यू पीपल वेयर एवर यू आर आप जहाँ कहीं भी हैं मेरी दुआएं हमेशा आप पे पहरा देती रहेंगी आमीन 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 अल्लाह कबूल फरमा ले सो आई विश यू ऑल द जोइस दैट यू कैन विश आई विश यू ऑल द जोइस दैट यू कैन विश तो हर उस चीज़ की तमन्ना की तकमील के लिए जो कि आप तमन्ना रखते हैं मैं हमेशा आपके लिए दुआ को दुआ में याद रखिएगा अल्लाह सुबहान वाली आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाएँ आमीन सुमीन मे अल्लाह ब्लेस यू द प्लेश एंड कॉम्फर्ट्स ऑफ लाइफ एंड एनेबल यू टू डिस्ट्रीब्यूट सेम टू दीपल Around you. Till next, Allahu Alaihi Wasallam, Wa rahmatullahi wa Barakatur.